हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह कंटेंट और है हमारे पास। ये वीवो का वाई नाइनटीन है, जैसे कि आप देख सकते हैं वीवो का ये वाई19 मॉडल है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसमें लगी है FRP, तो चलिए हम फटाफट इसकी FRP दिखा देते हैं कि इसमें FRP लगी है कि नहीं लगी है। नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पर भी नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पर एग्री कर देते हैं और यहाँ पर भी नेक्स्ट कर देते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें FRP लगी हुई कि नहीं लगी है फ्रेंड। तो इसमें गूगल सिक्योरिटी, इसका जो वर्जन है 11, एंड्रॉयड वर्जन 11 होगा। तो ये अपडेट, अब जो न्यू अपडेट है, न्यू सिक्योरिटी पैच है, तो इसमें पैटर्न सिस्टम काम नहीं करेगा। तो इसको मैं आपको न्यू मेथड बताऊंगा फ्रेंड्स, तो इसकी FRP, तो वीडियो के लास्ट एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को स्मार्ट टेलीकॉम को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो गाइस, इसमें अब जो पैटर्न सिस्टम जो पुराना था उसमें ये काम नहीं करेगा। तो हम इसमें जो भी मेथड है हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे डोंट कॉपी कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। अब यहाँ पे मैं FRP चेक करा रहा हूँ आपको कि इसमें FRP लगी कि नहीं। तो देख सकते हैं वेरीफाई पिन मांग रहा है फ्रेंड। तो वेरीफाई पिन यहाँ पे, या तो आप पिन या तो गूगल, आपको दो चीज़ यहाँ पे देना ही पड़ेगा, या तो पिन या तो गूगल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी जाके आप इससे काम कर सकते। नहीं तो गाइज, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप बाईपास से परेशान हो चुके हैं और आपका काफ़ी सारा मेथड और टाइम लॉस हो चुका है फ्रेंड, तो हम इसको बहुत ही ईजी तरीके से वन क्लिक में इसके FRP हम अनलॉक कर देंगे। बट उसके लिए होना चाहिए हमारे पास UMT डोंगल। तो हम यहाँ पे UMT डोंगल को खोल लेते हैं। आपने काफ़ी सारा वीडियो देखा है, अगर आपका बाईपास हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड। अगर नहीं हुआ हो तो आप बहुत सारा परेशान हुए होंगे और बहुत सारा, काफ़ी सारी दिक्कतें भी हुई होंगी आपको कि ये मेथड काम नहीं कर रहा है, वो मेथड काम नहीं कर रहा है, कोई टूल से भी नहीं हो रहा है। तो आप UMT सबसे बेस्ट है, आपको जाना है टूल एंड FRP में गाइस, और बहुत ही कम समय में आप देख सकते हैं हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें अपना ब्रांड सेलेक्ट कर लेना है वीवो, तो अपना ब्रांड सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे वीवो, और यहाँ पे अपना मॉडल ले लेते हैं फ्रेंड्स। मॉडल है हमारा वाई नाइनटीन, तो हम वाई19 को ले लेते हैं। और सिंपल सिंपल हमें करना क्या है, यहाँ पे रिसेट FRP पे क्लिक कर देना है और फोन को वैल्यूम अप और डाउन दबा करके आपको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं लिख भी रहा है वैल्यूम अप डाउन दबा करके आपको फोन को कनेक्ट करना है। तो मैं वैल्यूम अप डाउन दबा करके फोन को कनेक्ट करता हूँ फ्रेंड। तो देख सकते हैं हमारा वैल्यूम अप डाउन दबा के फोन कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ बहुत ईजी तरीके से इनेबल भी हो गया है और स्विचिंग भी कर रहा है, बूट कर रहा है फोन। और ये देख सकते हैं अभी हमारा बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही कम समय में आप यहाँ पे देख सकते हैं FRP डन हो चुका है फ्रेंड। तो मैं डाटा केबल को निकाल लेता हूँ और फिर अपने मोबाइल में आपको चालू करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम समय में फ्रेंड, 1 मिनट के अंदर में आप उसकी FRP बाईपास या FRP रिमूव कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर में फ्रेंड। तो गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर से जरूर, क्योंकि ऐसे ट्रिक मैं आपको लिए लेकर के आता रहूंगा। तो आपने देखा कि बहुत ही कम समय में FRP इसकी रिमूव हो चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए इसको फाइनली हम चालू करके दिखाते हैं कि हमारा ये सक्सेस हुआ कि नहीं। तो फाइनली चलिए करते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट, अब यहाँ पे भी कर देते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एग्री, और फिर लास्ट में जा कर के देखेंगे कि हमारा जो ये मेथड काम किया कि नहीं किया। अब इसे कर देते हैं मोर मोर, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, यहाँ पे कर देते हैं स्किप, और यहाँ पे भी कर देते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे कर देते हैं स्किप स्किप, और अब देखते हैं फाइनली कि हमारा ये जॉब डन हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं फाइनली हमारा ये जॉब डन हो चुका है, बहुत ही इजी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये जॉब डन हो चुका है। तो ये मेथड आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़, क्योंकि आपने, मैंने बोला था हमेशा ये वही फ़ोन है। तो फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा कि हमेशा आप जानते हैं कि बहुत सारे इधर आप देखने को मिल सकता है कि अरे इससे फेल हो रहा है, उससे फेल हो रहा है, बहुत सारे मेथड को आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं वन क्लिक में हमारा ये रिमूव हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। और काफ़ी सारे बाईपास और ये काफ़ी सारे ये मेथड आपने देखा है, मैंने यहाँ पे बताया कि वीवो और ये सेलेक्ट करना है अपना फटाफट, ये काम बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली ये हमारा जॉब डन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपने काफ़ी काफ़ी सारे टूल ट्राई किए होंगे कि अरे इससे नहीं हो रहा, उससे नहीं हो रहा,
तो ये मैंने देखा है आपको लाइव करके कि UMT से आप कैसे इसकी वन क्लिक में, अगर आप बाईपास मेथड फेल हो रहे हो, मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लास्ट एंड तक देखा तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को, ऐसे ही आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।